And now we have a hotline from Ajendra in India. परम प्रिय गुरुवर, मैं आपको 2012 में मेरे पिता के कैंसर से गुजर जाने की कहानी बताना चाहता हूँ। भले ही वह शुरू में यह नहीं समझ पाए कि मैं आपके या किसी मार्ग का अनुसरण क्यों कर रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे अभ्यास में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि उनके निधन से कई महीने पहले वह एक अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन के माध्यम से गुजरे। 70 वर्ष से अधिक की आयु में वे वीगन हो गए और ध्यान की सरल विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। भले ही उन्हें पहले अध्यात्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह पशुजन का मांस खाते थे, साथ ही कई दशकों से धूम्रपान और शराब का भी सेवन करते आ रहे थे, और इससे पहले कि वह शैयाग्रस्त होने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया कि दो अलग अलग मौकों पर जब अपने कैंसर के बारे में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, दोनों समय गुरुवर उन्हें सलाह देने और सहज महसूस करवाने के लिए प्रकट हुए। तभी उन्हें पता चला कि गुरुवर ही ईश्वर हैं। सबसे खूबसूरत बात उस दिन से होने लगी, उन्हें आपसे पूरी तरह प्रेम हो गया। जब भी वह आपकी तस्वीर देखते, वह पूर्ण रूप से शैयाग्रस्त होने के बावजूद आपके आगे सिर झुकाने की पूरी कोशिश करते। एक बार हमने गुरुवर का एक पोस्टर उनके बिस्तर के सामने वाली दीवार पर लटका दिया था ताकि वह जब चाहे गुरुवर को देख सके। जब हम सुबह वापस आए, भले ही वह बमुश्किल चल पाते, उन्होंने अपनी जगह बदल ली और अपना तकिया बिस्तर के विपरीत दिशा में रख दिया, क्योंकि वह कदापि अपने पैरों को आपकी ओर नहीं करना चाहते थे। अंतिम सप्ताह में जब मैंने उनसे आपके बारे में बात की, उन्होंने मुझे बताया कि वह गुरुवर को हर समय हर जगह देखते हैं। वह जहाँ भी देखते हैं उन्हें हर जगह गुरुवर ही नजर आते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोगों को यह एहसास नहीं है कि गुरु को पाकर तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने जीवन के अंतिम महीनों में उन्होंने गुरुवर के प्रति असीम सच्ची प्रेम और भक्ति भी विकसित की, और इसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। पृथ्वी पर अपनी आखिरी रात में उन्होंने सुबह करीब 4 बजे मुझे बुलाया और बताया कि पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ है, और पूछा कि क्या मैं भी उसे देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा था। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो उनकी आंखें ऊपर की ओर देख रही थी और उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने देखा कि गुरुवर का बौद्ध मंत्रों का जाप 24 घंटों के बाद भी एक MP3 प्लेयर पर चल रहा था, भले ही उस उपकरण की बैटरी आमतौर पर केवल 6 घंटे ही चलती है। मैं अपने पिता के सामने ध्यान करने बैठ गया और मैंने देखा कि दो स्वर्गदूत उनके शरीर पर आए और उनकी आत्मा को ऊपर ले गए। उसके बाद बौद्ध मंत्र बजना बंद हो गए। मैं गुरुवर और उनकी दिव्य कृपा के प्रति बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे पिता की देखभाल की और उनके आत्मा को बचाया और उन्हें पूरी तरह से अंदर से बदल दिया। वह परिवर्तन और उसके अंतिम दिनों में घटी घटनाएं चमत्कारिक थीं। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि सभी प्राणी गुरुवर की शिक्षाओं की ओर ध्यान दें और गुरुवर की सर्वशक्तिमान शक्ति और प्रेम की शरण लें। सिवाय गुरुवर की कृपा के इस जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। गुरुवर, तहे दिल से आपको धन्यवाद। यह वर्णन करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुवर और उनका ऐसा प्रेम मिला है। सदैव आपका प्रेम सहित, भारत से अजेंद्र। Devout Ajendra, thank you for sharing the miraculous story about your father. Master has a loving message to touch your heart. Filial Ajendra, when we practice the One Yin method, not only do we benefit, but our family members and everyone close to us benefits as well. Our meditation affects everything and everyone around us and radiates into the world. If you could see how impactful it truly is to practice meditation on the inner heavenly light and sound, you would be in awe. I hope all who have received initiation practice very diligently and pray to quickly transform the earth to bring about a vegan paradise. May you and the good Indian people bask endlessly in the glory of God's blessing. Love you forever. Taking of life hardens the heart and creates a heavy debt of karmas. The birds, cattle, fish, and so forth that we kill do not want to die. How piteously they cry and scream when we catch them to be butchered. Azur Maharaj Charan Singh Ji, Vegetarian.
We welcome your hotlines, stories, and occult loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.